देखिए दोस्तों, कल क्या हुआ कि विधानसभा सत्र का बजट सत्र हो रहा था। उसमें यहाँ पर कुछ सवाल जवाब किए गए थे विधानसभा में, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने भर्ती के रिगार्डिंग, जिसमें प्राइमरी लेवल के शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी लेवल के एलटी है, प्रवक्ता है या योग शिक्षक है, उसको रिगार्डिंग। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ कि उत्तराखंड में क्या कहा गया है इस सवाल जवाब को लेकर। इसका मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें हम मेन मेन सवाल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल किए गए थे। इसमें हम बस भर्ती के रिगार्डिंग ही हम बात करने गए। इसमें सवाल पूछा गया था क्या प्राथमिक शिक्षकों को पूरे सेवा काल में 3 पदोन्नति यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर इसको लेकर जो है सरकार ने कहा कि यहाँ पर जो है प्रचलित व्यवस्था को स्वीकार करते हुए प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को उच्चीकृत मानदेय और यहाँ पर स्वयं संबद्ध पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था अपनाई गई है। और इसके लिए जो है संवर्ग के शिक्षकों को यहाँ पर जो है केंद्र सरकार में तय व्यवस्था अलग सेवा काल में जो है 3 प्रमोशन देना यहाँ पर नियमानुसार संभव नहीं है, ऐसा भी कहा गया है। और वहीं यहाँ पर क्लासरूम को लेकर भी बात की, इसमें हम बात नहीं करेंगे ज़्यादातर। और इसमें यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो सरकार 2022 सॉरी सरकार 22 साल से यहाँ जो राज्य में प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत द्विवर्ष डीएलएड प्रशिक्षण जो शिक्षा मित्र उनको सहायक अध्यापक पद पर, इस पर पद पर क्या कहा गया इसमें देखते हैं, पद पर नियमित जो हम नियुक्ति देगी, इसको लेकर कहा गया था विधानसभा जो अथॉरिटी है वहाँ के विधायक ने। तो इसको लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री ने क्या कहा, इस पर कहा गया कि तय मानदेय पर जो है कार्यरत डीएलएड प्रशिक्षण शिक्षा मित्र जिन्होंने 31 मार्च 2019 के बाद टीटी प्रथम पास कर ली है, उनको जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर जो है नियमित नियुक्ति प्रदान किए जाने का जो है प्राकरण शासन पर यहाँ पर जो गतिमान है, ऐसा भी कहा गया है। और वहीं यहाँ पर योग प्रशिक्षण बेरोजगारों के लिए यहाँ पर जो है पदों की स्वीकृति कब देते हुए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ऐसा भी कहा गया है। जो कि यहाँ पर विधायक जो कि प्रताप नगर है इनके द्वारा पूछा गया था। इसमें जवाब दिया गया है हर जिले के एक राजकीय इंटर कॉलेज में आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर जो है योग शिक्षक की तैनाती की जाने की कार्रवाई यहाँ पर गतिमान है। तो हर एक इंटर कॉलेज में योग शिक्षक यहाँ पर गतिमान है आउटसोर्सिंग माध्यम से, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर डॉक्टरों के पद खाली हैं उसकी व्यवस्था को लेकर बताया गया है। और इसमें यहाँ पर इस तरह की बात की गई है, बाकी और भी इसमें पेजेस थे। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर दिन वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें धन सिंह रावत ने अपनी भर्ती के रिगार्डिंग सारे सारे बताया गया है कि भर्ती में तो भर्तियाँ हैं, कब तक हैं, विलम्ब क्या हैं, कब तक भर्तियाँ होंगी, तो इसको लेकर कितने पद इसमें कितने रिक्त पद हैं, एलटी में कितनों की प्रक्रिया चली हुई है, प्रवक्ता के कितने रिक्त पद हैं, किसकी प्रक्रिया अभी चली हुई है, इसको लेकर अगर बात करूँ तो उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया बता देता हूँ यहाँ पर कितने कितना कहा था कि लगभग लगभग इसमें यहाँ पर एलटी के इसमें लगभग 1400 के करीबन जो है अभी वर्तमान समय में रिक्त पद बताए गए हैं। और इस पर जो है भर्तियों के रिगार्डिंग जो है अगर बात करें तो इसमें जब तक परमानेंट नहीं होता तब तक इसमें गेस्ट भरने की बात कही गई है। साथ ही प्रवक्ता में जो है लगभग लगभग 592 के करीबन कहा गया, हालांकि इतनी नहीं है, 570 के करीबन है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के यहाँ पर जो है गए हुए हैं इतने पद लगभग लगभग 1000 के करीबन इसमें रिक्त बताए गए, इनमें से 500 के करीबन जो है लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए गए हैं। तो उन भर्तियों का यहाँ पर जल्दी आएंगे, इस तरह का यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने कहा गया है। और प्राइमरी लेवल की भर्ती में अगर बात करें तो प्राइमरी लेवल में जो भर्ती हैं 3 भर्ती आपकी रुकी पड़ी हैं, उसको लेकर अगर सुनोगे आप वीडियो तो उसमें कहा गया कि यहाँ पर जो है अभी पेंडिंग में है कोर्ट केस की वजह से, उसके बाद उनको भी निस्तारण कर दिया जाएगा, इस तरह का यहाँ पर जो है बयानबाजी की थी। और आप लोगों ने मेरे ख्याल से सुन ही लिया होगा पूरा का पूरा वीडियो, लगभग लगभग और भी था उसमें, ठीक है। मैंने लगभग लगभग 15 मिनट का वीडियो डाल रखा है उसमें, वो लगभग लगभग आधे घंटे का वीडियो था, कुछ चीज़ें नहीं होंगी उसमें, तो मैंने जो नहीं थी मेरे ख्याल से वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये भर्ती प्रकरण जिसमें एलटी है, प्रवक्ता है, इनको लेकर भी सवाल जवाब किए गए थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी जो शिक्षा मित्र को लेकर है वो इसमें यहाँ पर कहा गया है कि 2019 के बाद जो टीटी है उनको नहीं लिया जाएगा नियुक्ति प्रकरण में, बाकी जिससे पहले यहाँ पर 2019 तक है जिनका टीटी उनको यहाँ पर शिक्षा मित्र के रूप में परमानेंट कर दिया जाएगा, इस तरह का बात कहे गए हैं। और बात रही योग शिक्षक को लेकर, इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है आउटसोर्स के माध्यम से होगी, इस तरह का कहा गया है। और बाकी हर जिलों में बहुत सारे रिक्त पद हैं, इसको लेकर कहा गया था। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा था कि कहाँ है रिक्त पद ज़्यादा नहीं है, मतलब शिक्षा ऑलमोस्ट हमने भरे हैं, जहाँ जहाँ शिक्षकों की कमी थी वहाँ वहाँ हमने शिक्षक दिए हैं, इस तरह की बात कही थी, ठीक है। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जो दिन वाली वीडियो थी उसमें डिटेल में जान सकते हैं, वो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा।